और कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो मानो जिंदगी को याद करो है? नहीं, क्या याद करो? साकार। हाँ, मुझे निराकार बिंदी को जिस साकार में आया हुआ हूँ उसमें याद करो। अगर मुझे निराकार बिंदु को ही याद करेंगे तो आत्मा बिना शरीर के कुछ कर नहीं पाती। शरीर धारण करती है तब कुछ काम होता है, तो वो भी शरीर में प्रवेश करके सारे कार्य करता है, ज्ञान भी सुनाता है, उसके मुख से ज्ञान सुनाता है, दृष्टि से सारी मनुष्य शक्ति का उद्धार करता है। जब मनुष्य का उद्धार हो जाता है तो मनुष्यों के वाइब्रेशन से सारी दुनिया का कल्याण हो जाता है। अब ये भी नहीं है कि वो दृष्टि से ही सृष्टि सुधारता है, क्या नहीं? जो भी कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म तो करता है ना, आता है तो बच्चों के साथ कर्म करता है या नहीं करता है? करता है। करता है, खाना वाना खाता है कि नहीं? खाता है। खाता है, अरे वो तो अभोक्ता है, खाना कैसे खाता है? साकार में आता है तो तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग सांसों श्वास साथ निभाऊं, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ चलेंगे, ये अंजाम लेकर के आता है। तो सब एक जैसा अनुभव करेंगे साथी का या नंबर वार अनुभव करेंगे? जो जैसा याद का पुरुषार्थ करेंगे वो वैसा अनुभव करेंगे। अगर तीखी याद करेंगे तो बहुत अनुभव करेंगे, कम याद करेंगे तो कम अनुभव करेंगे। तो नंबर वार पुरुषार्थ के आधार पर है। कोई आत्माएं तो बहुत तीखी चली जाती है इस बात में याद में, कौन तीखी चली जाती होगी, उनमें क्या खासियत है जो वो तीखी चली जाती है और हम ऐसे ही रह जाते हैं व्रत वेले उठते तो है? उनमें क्या खास बात है और हम में क्या दोष है? हमारे हाथ पांव कम है क्या, एक आंख कानी है क्या है? हमको क्यों नहीं याद आती उतनी सबको है? जन्म निर्माण पर कम साथ है। पूर्व जन्मों में जिन आत्माओं ने संघ का रंग ज्यादा लिया है, ज्यादा निभाया है, किसके साथ? जिनमें वो प्रवेश करके मात पिता का पार्ट बजाता है, राम और कृष्ण की आत्माओं में प्रवेश करता है। कृष्ण की आत्मा में प्रवेश करता है तो माता का पार्ट बजाता है, नाम पढ़ता है ब्रह्मा, क्या ब्रह्मा? ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, दुनिया की जितनी भी माताएं हैं उन माताओं में सबसे बड़ा पार्ट माता का ब्रह्मा ने बजाया। इतना बड़ा माता का पार्ट और किसी मनुष्य मात्र ने बजाया ही नहीं। माता का पार्ट क्या होता है, पिता का पार्ट क्या होता है, क्या खासियत होती है? जो हाथ पांव वाला माता सो हाथ पांव वाली तो पिता, खासियत क्या होती? माता जितना सहन करती है उतना पुरुष संतान के लिए नहीं सहन करता है। तो वो आकर के ब्रह्मा के रूप में माता का ऐसा पार्ट बजाता है कि आसुरी से आसुरी बच्चे भी क्यों न हो
उनकी भी बातों को, उनके भी कर्मों को सहन कर लेता है। क्या? जितना वो सहन करता है ब्रह्मा, उतना दुनिया में और कोई आत्मा सहन करने वाला पार्ट नहीं बजाती है। और सब इस बात को समझ लेते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जितना हमको प्यार दिया, उतना कोई हमको प्यार नहीं दे सकता। तो कृष्ण के रूप में अंतिम जन्म में वो आत्मा कृष्ण की माता का पार्ट बजाती है ब्रह्मा की चोले। और माता ज्यादा प्यार देती है बच्चों को, पिता उतना प्यार नहीं देता। खराब से खराब बच्चे हो, दुष्ट से दुष्ट बच्चे हो, बच्चे लफंगे चोर डकैत दुनिया के बदनाम से बदनाम करने वाले बच्चे हो, तो भी माँ उनको अपनी गोद में रखना चाहती, अपनी आंखों के सामने देखना चाहती, कि उनको मार देती नहीं मारती। तो ऐसा पार्ट माँ के रूप में बजाता तो है, लेकिन फिर बच्चे बिगड़ते हैं या सुधरते हैं? जिनको बहुत प्यार मिलेगा, चोरी डकैती भी करते रहेंगे, मारा मारी भी करते रहेंगे, तो दुनिया को बिगाड़ेंगे या सुधारेंगे? ओ तो दुनिया को बिगाड़ देते। तो दुनिया को भगवान बिगाड़ने के लिए आता है या सुधारने के लिए आता है? हैं? तो ब्रह्मा के तन में आया माउंट आबू, माउंट आबू में ब्रह्मा के तन में आया और बच्चों ने बहुत दुख दिए उसे, यहाँ तक दुख दिए कि दुख दे दे करके ब्रह्मा की जो भी संपत्ति थी वो सारी हड़प कर ली। क्या? गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन लिखा लिया चुपचाप शांति से, बिना ब्रह्मा बाबा को बताए रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ये सारी धन संपत्ति जो भी है वो हमारी मुट्ठी में, ब्रह्मा को पता नहीं चला। जैसे आजकल अम्माओं की बहुत गति होती है, क्या बच्चे सारी ताकत अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं, अम्मा को पता ही नहीं चलता हमारी प्रॉपर्टी कहाँ चली गई। तो ऐसे धोखेबाज बच्चे जो अम्मा को इतना दुख देते रहे, और जब बाद में अम्मा को पता चला अरे इस बच्चे को तो हमने इतना अच्छा समझा था, इतना ज्यादा बुद्धिमान समझा था, इसने तो मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। तो हार्ट फेल करने वाले जैसे बच्चों को भी उसने प्यार की दृष्टि से देखा, कभी भी तिरस्कार नहीं किया। लेकिन ऐसा पार्ट जब भगवान बजाता है तो बच्चे सुधरते हैं कि बिगड़ते हैं? बिगड़ते हैं। और अभी भी क्या देखा जा रहा है, बिगड़ते गए या कोई सुधर रहे हैं? कोई कोई सुधरने वाले भी होते हैं कि प्यार से सुधरते हैं। क्या? कोई कोई अच्छी आत्माएं होती है जो प्यार से परिवार में सुधरती है, और कोई कई आत्माएं ऐसी उनको जितना प्यार दो उतना और ज्यादा बिगड़ती है। एक माँ बाप के भांति भांति के बच्चे होते हैं ना, कोई प्यार से सुधरते हैं, कोई प्यार से बिगड़ते हैं। तो सुधरने वाले भी बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ब्रह्मा के प्यार से सुधरे भी हैं कोई, लेकिन संग का रंग उन दुष्ट बच्चों का ज्यादा लगता है। उन दुष्ट बच्चों के प्रभाव में वो सुधरने वाले बच्चे दुखी होंगे या सुखी होंगे? दुखी हो जाएंगे ना, वो तो उनको बांध के रखना चाहेंगे। क्या? वो थोड़े से बच्चे जो माँ के प्यार में सुधरने वाले हैं, प्यारे बच्चे हैं, वो उनके कंट्रोल में आ जाते हैं और उनके ऊपर वो आतताई हावी होते रहते हैं। ऐसे हावी होते रहते हैं जैसे सीता रावण की जेल में
हावी थी, हावी रावण हावी हो गया और सीता उसकी जेल में फंस गई, ऐसे हावी हो जाती है। तो फिर भगवान को फिर बाप का भी पार्ट बजाना पड़ता है। बाप सत्य स्वभाव का होता है और माँ उतना शक्ति कर नहीं पाती, मोह ममता बच्चों के साथ होता है। मेरे पेट से बच्चे पैदा हुए हैं, क्या बाप के पेट में से तो नहीं निकले? सहन किसने किया? माँ ने सहन किया। तो लगाव लगा रहता है, मैंने इतना सहन सहन करके इतने बच्चों को पाला है, तो उनके ऊपर कठोर कदम नहीं उठा सकती। बाप कठोर स्वभाव का होता है। तो परमात्मा भी फिर कृष्ण वाली जो आत्मा है अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनती है, वो चोला छोड़ देता है। और राम वाली आत्मा जो राम बाप कहा जाता है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, उसमें प्रवेश कर जाता है। क्या प्रवेश करता है? और प्रवेश करके फिर सख्त पार्ट बन जाता है। सख्त पार्ट माने ला इज ला, कानून कानून, एकदम नहीं। पहले थोड़ा प्यार भी देता है, थोड़ा सख्ती से भी आता है पेश, उसके लिए बीच में कोई ब्रह्मा की सोल रहती है। जो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा ना, प्यार करने वाले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, वो ही प्यार करने वाला ब्रह्मा राम में भी प्रवेश करता है और शिव परमात्मा भी उसमें प्रवेश करता है। तीन आत्माएं इकट्ठी प्रवेश करती है, इसलिए शंकर कहा जाता है। शंकर माना मिक्स, क्या पता ही नहीं लगता कि कौन सी आत्मा कब पार्ट बजा रही है। ब्रह्मा की आत्मा पार्ट बजा रही है तो जरूर प्यार का पार्ट बजाएगी, राम की आत्मा पार्ट बजाएगी तो जरूर कानून के अनुसार बजाएगी, ईश्वरीय कानून के अनुसार ही चलेगी। शिव की आत्मा पार्ट बजाती है तो वो अपने ज्ञान की बातें सुनाएगी। तीनों आत्माएं एक ही शरीर से अपना पार्ट बजाती है। अब बताया कि मेरे स्वरूप को याद करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो मेरा स्वरूप कौन सा हुआ? मां का चोला तो खत्म हुआ, बाप का चोला अभी भी मौजूद और वो अंत तक भी रहेगा। तो उसको कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सारी दुनिया को काल खा जाएगा, लेकिन मनुष्य सृष्टि के बाप में जो सुप्रीम सोल प्रवेश करके पार्ट बजाता है, उस चोलेधारी को इन आंखों से कोई शरीर छोड़ते हुए नहीं देगा। वो काल के गाल में नहीं जाने वाला नहीं, इसलिए उसको कहा जाता है महाकाल।